नाज़रीन हमारे साथ में हैं चीफ पोस्ट मास्टर जनरल जम्मू एंड कश्मीर शैलेंद्र दशोरा साहब। सर आपका ग्लेशियर टाइम्स में खैर मकदम है सर। धन्यवाद सर। आज आप सोनमर्ग आए हैं। हाँ जी। तो सर क्या विजिट था आपका आज यहाँ का? मैं देखने आया था कि यहाँ के जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट जो कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, और जो इतनी एरिया जो है, जो बिल्कुल ही मुश्किल से लोग जा सकते हैं या कुछ काम कर सकते हैं यहाँ पे, उस तरह से किस तरह से पोस्टल सर्विस यहाँ काम चल रही है वो देखने के लिए आया था मैं। और कोई प्रॉब्लम हो तो क्या हम सॉल्यूशन ले सकते हैं इस बारे में, उसके लिए आया था मैं। तो सर यहाँ पे जो अभी आप जिस स्पॉट पे बैठे हैं सोनमर्ग में, यहाँ आपका पोस्ट ऑफिस जो है, आपकी यहाँ पे लैंड अपनी है। हाँ जी। और यहाँ कई बरस पहले यहाँ पर पोस्ट ऑफिस फंक्शन था। हाँ हाँ। लेकिन अभी वो फंक्शन नहीं है, ना ही यहाँ पे नया पोस्ट ऑफिस बनाया गया है। सर क्या कहते हैं आप इस बारे में? वो हमने बात करी इस बारे में, हम कोशिश ये करेंगे कि जब ये 6 महीने यहाँ काम चलता है, यहाँ 6 महीने बंद होता है, तो अगर पोस्ट ऑफिस अगर नहीं हो सकता पूरे टाइम से, तो 6 महीने हम यहाँ पे टेम्प्रेरी पोस्ट ऑफिस बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि लोगों के यहाँ के लोगों के लिए तकलीफ कम रहे और दूर जाना नहीं पड़े इनके लिए। तो सर जहाँ जहाँ पे भी आपके पोस्ट ऑफिस हैं, हाँ जी, तो लोग जो आज आधार कार्ड बनाते हैं, पैन कार्ड बनाते हैं, उनको वो टाइम पे नहीं मिलता है सर। हाँ हाँ। तो ये क्या है, क्यों नहीं उनको टाइम पे मिल रहा है? ऐसा नहीं कि टाइम पे नहीं मिलता है, बस ये है कि जो रास्ते बंद हो जाते हैं 6 महीने, तो लोग यहाँ से चले जाते हैं, तो उनका एड्रेस नहीं होता है, तो उसमें दिक्कत आती है कि इनको किस तरह से उनको डिलीवर करें। बाकी जगह तो जब डाक आती है यहाँ पे और डिलीवर हो जाती है यहाँ पे। तो कुछ ऐसे भी हैं पोस्ट ऑफिस जहाँ पे एक एरिया है गोंड का एरिया, वहाँ का जो पिन नंबर है, हाँ हाँ, वो बिल्कुल गलत है वो पिन नंबर। हाँ हाँ। तो उसको आप ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, अगर आपने बताया है तो मैं यहाँ SSP साहब बैठे हैं यहाँ पे इस एरिया के, उनसे जरूर बोलता हूँ मैं, किससे अगर गलत है तो उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल। अगर है ना, क्या गलती है आप बताएंगे? वहाँ पे 191202 जो है, हाँ हाँ, वो एक्चुअली दूसरे एक एरिया में जब भी किसी का पोस्ट के जरिए कोई भी डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, हाँ, तो वो दूसरे जगह उनको पहुंच जाते हैं। अच्छा। या जो हमारे यहाँ जो हज के आजमीन हैं, जो उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हाँ हाँ, वो भी उनको दूसरी जगह में पहुंच जाते हैं, उनकी बड़ी दिक्कतें होती हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं बिल्कुल, अगर ऐसा है तो इसकी पूरी कोशिश करेंगे और ये इसको सॉल्व करेंगे इस चीज़ का, किस तरह से करेंगे हम। जी सर। बाकी जो आपके यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल की या ओवरऑल कश्मीर की बात करते हैं, हाँ हाँ, हम पोस्ट ऑफिस की आपके पूरे जो है रेंट पे बिल्डिंगें होते हैं, हाँ हाँ, अपना परमानेंटली आपका गांधरबल में है, गांधरबल में है, तो या श्रीनगर में है, तो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे आपने रेंट पे बिल्डिंगें ली है, हाँ जी, वहाँ पे आपने अभी तक बिल्कुल बनाए नहीं है पोस्ट ऑफिस, तो उनको आप क्या अभी करना चाहते हैं उनके लिए? ऐसा है कि जो हमारे पास ज़मीनें हैं उनमें एक हमारी गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से एक स्कीम बनती है कि किस किस पोस्ट ऑफिस में बनाना है, हम अपनी प्रपोजल वहाँ भेजते हैं और फंड के हिसाब से उनको, हमको फंड मिलता है और हम पोस्ट ऑफिस बनाने की एक एक करके बनाते हैं। तो ये जो आपके जो पहले हम देखते थे, पहले जो आपके पोस्ट ऑफिस के जरिए डाक पहुंच जाता था, तुरंत ही पहुंच जाता था, अभी उसमें बहुत टाइम लग जाता है, ये क्या वजह है? उसको टाइम क्यों लग जाता है? अभी ऐसा है कि अभी जब कोविड का टाइम आ गया, तो जो रोड से रोड ट्रांसपोर्ट जो है, बसें से जो हमारी बस जाती थी, गाड़ी जाती थी, वो बंद हो गया। तो हम कोशिश करते हैं अपनी पर्सनल गाड़ी, अपनी जो डिपार्टमेंटल गाड़ियाँ जो हैं, लाल गाड़ियाँ जो हैं, उनकी तरह उनको उनके से गाड़ी को डाक को यहाँ लगाने की कोशिश करते हैं, लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर जगह नहीं, हमारे गाड़ियाँ कम हैं, तो जितनी हो सकती है इतनी कोशिश करके और मैक्सिमम और स्पीड में जितनी कर सकते हैं हम इसको डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। कंप्यूटराइज्ड आपने बहुत किया है, हाँ जी, लेकिन ये जो डिस्ट्रिक्ट गांधरबल है, हाँ, इसमें जितने पोस्ट ऑफिस हैं विदाउट गांधरबल डिस्ट्रिक्ट जो है प्रॉपर, वहाँ नहीं, उसके अदर जो बाकी जगह पे जो आपने रखे हैं, हाँ, वो अभी कंप्यूटराइज्ड नहीं हुए हैं, क्या नहीं, अभी सब जगह हुए हैं, अभी यहाँ इवन आपके यहाँ देखोगे यहाँ पे जो पास में एक BO है, क्या नंबर है, इनके पास कंप्यूटर अपना अब खुद जाके आदमी घर में जाके भी आप पोस्ट ऑफिस में अकाउंट से पैसा निकलवा सकते हैं, इनके पास मशीन है, उस मशीन से अपना आधार कार्ड लगा के और पोस्ट ऑफिस से पैसा निकलवा सकते हैं इसमें से। तो सर अभी आप क्या जो पोस्ट ऑफिस हैं
इनको मतलब अपग्रेड करने के लिए यानी हाँ लोगों को बेहतर सहूलियात देने के लिए क्या इकदाम उठा रहे हैं आप? हाँ, इसमें ऐसा है कि अभी यहाँ पे इस एरिया में पूरे कश्मीर में हमारे पास 4G सिस्टम नहीं है। जैसे हमारा 4G आ जाएगा तो हमें बहुत सारे सॉल्यूशन हमारे इसमें मिल जाएंगे। इसमें कंप्यूटर जो कनेक्टिविटी जो ख़राब हो रही है अभी हमारी या कम हो रही है, वो अगर 4G लग जाएगा तो हमारी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी हमारी। तो आप लास्ट में आपसे ये पूछना हाँ चाहते हैं कि क्या पैगाम देना चाहते हैं आप लोगों को कि आपको बेहतर सहूलियात जो मिल जाएगी, हाँ उसके बारे में क्या आप कहना चाहते हैं आवाम से? मैं यहाँ पे जब भी श्रीनगर आता हूँ तो मैं पोस्ट ऑफिस देखता हूँ और यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी जो हैं बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। फिर भी मैंने उनको बोला है कि किसी भी कस्टमर को कोई तकलीफ़ नहीं आनी चाहिए और कोई डिलीवरी के लिए जितनी कोशिश करके अपनी डिलीवरी बिल्कुल टाइम पे करें ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए किसी को। ओके, थैंक यू सर लेट्स टाइम्स में बात करने के लिए। थैंक यू। हाँ, इसके अलावा जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कोई भी पेंशनर स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के या किसी और डिपार्टमेंट के, उनको साल में एक बार डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है पेंशन लेने के लिए। वो भी हमारे सेवाएं देते हैं, हमारे ब्रांच पोस्टमास्टर को बता सकते हैं, तो उनके घर में आके उनके डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भी इशू कर देंगे इसमें। थैंक यू सर। हाँ जी बोलिए सर, जो आप कह रहे थे अभी कि आधार के जरिए हम लोग भी हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ जनरल पब्लिक को आपके चैनल के माध्यम से कि आज के डेट में पोस्ट ऑफिस के ऑलमोस्ट सारे उन छोटे ब्रांच ऑफिस जो गांव में फंक्शन करते हैं वो भी कंप्यूटराइज्ड हैं। उनके हाथ में हमने एक हैंडसेट दे रखी है, किसी भी पब्लिक को पैसे चाहिए, चाहे उसका अकाउंट J&K बैंक में हो, SBI में हो, पंजाब नेशनल बैंक में हो, अगर वो ATM तक जा नहीं सकता या उसके बैंक तक नहीं जा सकता, वो हमारे कंसर्न उनके अपने पोस्ट ऑफिस के आदमी को फ़ोन करके बोल सकते हैं मुझे इतने पैसे चाहिए, तो उसको हम उसके घर में आके पैसे दे सकते हैं, उसी के अपने अकाउंट से डेबिट होगा। सिंपली इतना है कि उसका आधार के साथ लिंक होना चाहिए, अगर आधार के साथ लिंक नहीं है तब पैसा नहीं निकलेगा वो, इसलिए इसको आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम हम बोलते हैं, जिसके तहत कोई भी आदमी अपने किसी भी बैंक में उसका अकाउंट होगा वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू पैसा ले सकता है और उसके घर में पैसा मिल जाएगा। जी मौजूद हैं जोरम जी साहब जो पोस्ट ऑफिस के